सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ विंडोज़ 10 जो स्लो शटडाउन होता है और स्टार्टअप होता है तो इसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो तीन तरीके हैं दोस्तों इसको सॉल्व करने के, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए दोस्तों। अगर आपने हमारे AQ Tech हिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो रेड बॉक्स में सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने PC के कंट्रोल पैनल में जाना है। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है, पावर ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है पावर ऑप्शन। ये रहा पावर ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक किया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर चूज व्हाट द पावर बटन डज, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिर से चेंज सेटिंग डेट आर करंटली अनअवेलेबल, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये जो टर्न ऑन पास स्टार्टअप है, ये स्लीप है, ये लॉक जो है, इसको अगर आपके पास ये अनचेक है ऑलरेडी तो आप इसको चेक कर लीजिए। ओके, चेक करने के बाद यहाँ पर नीचे सेव चेंज के ऊपर क्लिक करके इस विंडोज़ को क्लोज कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों मेथड नंबर 2, तो आपको यहाँ बाद आपको रन कमांड ओपन करना है। ओके, रन कमांड ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है msconfig। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बूट के ऊपर क्लिक करना है। बूट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नो GUI बूट, इसको ये अनचेक है तो हम इसको चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर ये जो टाइम आउट है ये सेकंड का, तो हम इसको नॉर्मली रहने देते हैं। और यहाँ पर एडवांस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके ये नंबर ऑफ प्रोसेस जो है इसको, यहाँ पर ये 1 है तो मैं इसको 2 रख लेता हूँ। और ये मैक्सिमम मेमोरी जो है वो यहाँ पर मेरे पास 3 GB है तो मैं इसको 2 GB कर लेता हूँ। ओके, तो मैं इसको यहाँ पर 2 GB कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करके ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब मेथड नंबर 3, दोस्तों आपको सर्च बार में टाइप करना है टेक्स्ट मैनेजर। ओके, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर इस मोर डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्टार्टअप के ऊपर क्लिक करना है। अब जब भी आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा तो ये जो भी सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो, ये रन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर से जो भी आपको सॉफ्टवेयर रन नहीं होना है तो यहाँ पर से आप डिसेबल कर सकते हैं इसको। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ ये विंडोज़ डिफेंडर, इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको डिसेबल कर दीजिए। जब भी आपका सिस्टम ओपन हो जाएगा तो ये रन नहीं होगा आपके सिस्टम में। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। AQ Tech हिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो रेड बॉक्स में सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करें।